करियर के लिए चुने जाना ये एक बहुत बड़ी सादत है। जैसे आप देखें इस वक्त इस शहर में या पूरे जहाँ जहाँ अपने जिक्र सेंटर जाविया है उतने पूरे इलाकों में कितने हज़ारों लाखों लोग होंगे लेकिन जिक्र में कितने लोग होते हैं। तो ये एक लकी अपने आप को महसूस करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल कि हम सेलेक्ट हुए हैं कि इस महफिल में बैठे, दूर दूर से आए, बैठे जिक्र में शामिल हुए। इसके साथ साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी ये जो खुशनसीबी वाले लोगों की जो लिस्ट है वो बढ़ती जाए, वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फैज़ हासिल हो सके। लोग जिक्र में आए या नहीं आए उनको इनवाइट करते रहना, उनको टच करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनका भी इसमें फ़ायदा है, अपने तरीके का भी जो काम है वो बढ़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ें लेके आगे बढ़ते रहना। आज की सोबा बहुत शॉर्ट फ्यू चीज़ें बोलनी है जो एक रिमाइंडर के तौर पर है मेरे लिए और हम सबके लिए, सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि जब भी कोई महफिल को लीड करे तो उसके लिए ये मानना कि मैं पूरी महफिल में सबसे लोएस्ट हूँ ये ज़रूरी है। अगर वो महफिल शुरू करता है ये सोच के कि ओह मैं सबसे बड़ा हूँ उस महफिल में, तो वहीं पे वो खसारा हो गया, नुकसान हो गया। वो महफिल की बरकत जो है वो जिसको जो मिलना है मिलेगा, लेकिन वो स्पेसिफिक जो बरकत होती है, जो स्पेशल बरकत उसमें आनी है, वो ख़त्म हो जाती है। मौलाना शेख नाज़िम हमेशा क्या कहते थे, आई एम अ वीक सर्वेंट, आई एम अ वीक सर्वेंट, हमेशा कहते थे। तो इसीलिए अपने आप को, जब भी आप में से भी कुछ लोग जो जिक्र लीड करते हैं तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, महफिल शुरू हो रही पहले ही अपने आप को जो है सोचो कि कितनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह की कि मुझे यहाँ बिठाया कि मैं जिक्र लीड कर सकूँ, महफिल लीड कर सकूँ, जबकि मैं सबसे घटिया हूँ, लेकिन शुक्र है तेरा कि तूने मौका दिया मुझे अच्छा बना। इस तरीके से फिर शुरू करना। हज़रत सफवान बिन सुलेम रज़ील्ला तलान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया कि क्या एक मुसलमान कंजूस हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मुसलमान को कंजूस होना चाहिए, लेकिन सवाल ऐसा है कि क्या एक मुसलमान है बंदा लेकिन वो बुज़दिल है, वो कंजूस है, तो क्या वो मुसलमान रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक मुसलमान झूठा हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये मतलब झूठा अगर है तो मुसलमान नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है ये, अगर झूठा है तो मुसलमान नहीं है। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि लोगों का एक बिलीफ बन गया है कि अगर बिज़नेस करना है, कुछ करना है, तो झूठ बोलना ज़रूरी है, झूठ बोले बगैर हम बिज़नेस कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि झूठ बोलकर अगर हम जो कमाई कमाएंगे वो हमारे लिए हराम हो जाएगी, फिर वो हराम जो सिस्टम में जो चलेगा, खून में जो दौड़ना शुरू होगा, फिर वो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो उसको फ्लश करना पड़ता है। जैसे एक बड़ा कंटेनर जो है, एक बड़ा टैंकर दूध का है, उसमें एक ड्रॉप, कई हज़ारों लीटर दूध है उसमें एक ड्रॉप यूरिन का गिर जाता है, खराब हो गया, सारा दूध खराब, खराब हो गया, अब उसको नहीं पी सकते। ये होता है हमारी हलाल कमाई में एक ड्रॉप हराम आ जाना एक झूठ की वजह से। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम कुछ उसमें झूठ बोल रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो उसको पूरा सत्यानाश करते हैं। एक पूरा टैंकर पानी है उसमें एक ड्रॉप यूरिन आ जाता है, अब वो पानी को रिफ्रेश करने के लिए कितने हज़ारों लीटर पानी उसके अंदर से बहाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा फ्रेश होगा। यही होता है
कि जब हमारे सिस्टम में अगर एक ड्रॉप हराम आ जाता है, एक ड्रॉप खून जो है हराम का बन जाता है, या एक थोड़ा सा 1 ग्राम गोश्त जो है वो हराम कमाई से बन गया, तो उसको पाक करने के लिए हमारे सिस्टम में इतनी तकलीफ़ें इतनी तकलीफ़ें इतनी तकलीफ़ों से हमको ले जाया जाता है, जिसके बाद वो ब्लड रिफ्रेश होता है। तो ये खोल, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके हिसाब से चलना, बोलना ही नहीं है हमको, ऐसी बात करनी ही नहीं है जो रब को नाराज़ करे। क्या ज़रूरत है, जब तक हम जिंदा हैं ये प्रूफ है कि हमारी रोज़ी चालू है, रिज्क ख़त्म हो गया आदमी मर जाएगा, सांस ले रहा है ये कंफर्मेशन है कि उसका रिस्क चालू है, ये कंफर्मेशन। तो फिर क्यों फिक्र कि झूठ बोलकर हम रिस्क कमाएं, अल्लाह पे भरोसा नहीं है कि वो देगा, सच बोलने पे वो ज़्यादा देगा। दूसरी एक चीज़ है जो झूठ के कैटेगरी में आती है, वर्ड्स को ट्विस्ट करना, वर्ड्स को ट्विस्ट करना। जैसे अब मैं कहूँ एग्जाम्पल कि मैंने इंडिया आते वक्त, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने इंडिया आते वक्त मौलाना से पूछा, नहीं हाँ मान लो कि मैंने मौलाना से पूछा आते वक्त कि क्या मैं इंडिया जा सकता हूँ, मेरे वालिद साहब की तबीयत सही नहीं है, मैं क्या मैं इंडिया जा सकता हूँ उनकी खिदमत के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर आकर मैं सबको ये बोलता हूँ कि मौलाना ने मुझे इंडिया आने के लिए कहा था, और वो उन्होंने कहा कि जाओ इंडिया जाके अपने वालिद साहब की खिदमत करो, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये होता है ट्विस्टिंग ऑफ वर्ड्स, ये भी झूठ में आता है, ये भी झूठ में आता है। बहुत साल पहले हम लोग लेफ्ट के जब गए थे तो मौलाना शेख नाज़िम ने हम लोग को हुक्म दिया था, वो एक्चुअली ऑर्डर था, स्टार्ट इस्लामिक स्कूल्स, आपको बताया था, फिर हम लोगों ने जो वहाँ पर आप लोग को वहाँ जो काम हुआ था शुरू, स्टार्ट इस्लामिक स्कूल्स, स्टार्ट मदरसा, ऐसे करके उन्होंने बताया था, दैट इज़ ऑर्डर। दूसरा एक होता है कि मैं जाकर उनको पूछता हूँ कि कैन आई स्टार्ट एन इस्लामिक स्कूल, क्या मैं इस्लामिक स्कूल स्टार्ट कर सकता हूँ, फिर वो कहते हैं हाँ करो, फिर मैं आकर बोलता हूँ मौलाना ने मुझे ऑर्डर दिया कि इस्लामिक स्कूल स्टार्ट करो, ये झूठ हो जाए, अच्छा क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने एग्री किया, सवाल मैंने पूछा था क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो इस चीज़ में फ़र्क है, वर्ड्स को ट्विस्टिंग है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मौलाना ने मुझे कहा है कि जाओ इंडिया, हुक्म दिया मुझे कि इंडिया जाओ इनकी खिदमत करो, तो आपके माइंड में क्या होगा कि मौलाना ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन और अप्रूवल में फ़र्क है, ठीक है, ये चीज़ को समझो, क्योंकि ये आजकल जो है वर्ड ट्विस्टिंग बहुत हो रही है सब जगह, तो इस चीज़ को समझो। मैं कोई काम शुरू करता हूँ, काम शुरू करने के लिए मैं अगर उनसे पूछता हूँ, या आप मुझसे पूछते हो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ, खोलो, फिर अगर आप सब जगह जाके बोलते हो कि अशरफ ने बोला ऑर्डर दिया मुझे कि अकाउंट खोलो, ये गलत हो गया यार, ये झूठ में आ गया, वर्ड ट्विस्टिंग भी झूठ में आता है, और झूठा जो है उस हदीस के हिसाब से मुसलमान उसको तौबा करना ज़रूरी हो जाता है। उसके आगे एक और चीज़ पे हम बात करते हैं, फिर जिक्र शुरू करते हैं इंशाल्लाह, कि मौलाना शेख नाज़िम में एक मरतबा एक हदीस बयान कर रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते जो है उसमें उसके रास्ते में हमारा घमंड, हमारा ईगो, हमारे नफ्स जो है रास्ते में आती है जन्नत की तरफ जाने वाले, और दोजक की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो फूलों से भरा हुआ आसान है, वो रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता डिफ़िकल्ट है, उसमें ये सारी आजमाइशें आएगी, ये सारी चीज़ें आएगी, हमारे ईगो, हमारे डिज़ायर्स बीच में आएंगे कि मैं पना आएगा,
इन चीज़ों से बचना। एक मर्तबा शेख अब्दुल्ला फ़ैज़ दागिस्तानी सीरिया में जब फजर की नमाज़ के लिए सब जमा हुए, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस साल, तो उन्होंने कहा कि जो लोगों ने सब्र किया और इस सर्दी में सब्र करके, वजू करके, तैयार होके, सब चीज़ करके फजर के लिए जमा हुए, अल्लाह सुब्हानहु ताला उनके हर एक पल के सब्र के लिए 50 साल का डिस्टेंस उनके और दोज़ख की आग के बीच में बना देगा। सर्दी भी अल्लाह की तरफ से, ठंड ठंडा पानी भी अल्लाह की तरफ से, नमाज भी अल्लाह की है, उसमें सब्र करके, वजू करके, ठंडे पानी से करके जो है, जो मुरीद आए थे तो उनके लिए खुशखबरी दी है कि तुम्हारे हर पल के सब्र के लिए 50-50 साल की दूरी जो है तुम्हारे और दोज़ख के आग के बीच में बनती जा रही है। सुभान। तो ये सब्र का मकाम है। सब्र मांगना नहीं है, सब्र मांगने से आजमाइश आती है। कभी ये दुआ नहीं करना है कि मुझे सब्र अता, ये नहीं मांगना, उसकी जगह पे आफियत की दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, और आफियत में शुक्र अदा करने की दुआ करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया व शुक्र अलल आफिया। ये बेहतरीन दुआ है। मौलाना शेख नाज़िम फरमाते हैं कि सब्र जो है उसमें तीन टाइप की बेसिक कैटेगरीज है। पहला जो है, जो फिज़िकल, जो हमारे जिस्मानी जो डिस्कम्फर्ट्स है, डिस्कम्फर्ट उर्दू में बेचैनी, जो सुकून ना देने वाली जो चीज़ें, जो जिस्म को सुकून नहीं देते, उन चीज़ों पे सब्र करना, ये पहला लेवल है सब्र का। जैसे ठंडी में वजू करना, मस्जिद की तरफ जाना, तो ये फिज़िकली बीमारी कोई हो जाना, तबीयत ख़राब होना, कुछ होना, ये फिज़िकल जो तकलीफ़ें हैं, डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस होती है, उसमें सब्र करना, ये फर्स्ट कैटेगरी है सब्र की। दूसरी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी सब्र की ये है कि जो चीज़ें अल्लाह ने मना की है उससे बचना, ये नेक्स्ट कैटेगरी है। पहली कैटेगरी खुद के ऊपर जो तकलीफ़ें आती हैं जिस्मानी, उस पर सब्र करना, इस ये बहुत वाइड कैटेगरी है। इसके अंदर बीमारियाँ, फैमिली के जो फिज़िकल, जो जैसे दो भाई है या पेरेंट्स हैं या बीवी है, जो भी है, उस जो फिज़िकल इश्यूज होती है, दो लोगों के बीच में कोई इश्यूज होती हैं जो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट देती हैं, उससे बचना, उस पर सब्र करना, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, जिन चीज़ों से मना किया गया है उससे बचना, ये वाइड ओपन है कैटेगरी, ये सब हम लोगों को पता है, बहुत सारे जो भी हराम चीज़ें हैं उनसे दूर रहना, उनसे अपने आप को बचाए रखना, दैट इज सेकंड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो सबसे बेस्ट है वो है उनके साथ सब्र, ये मौलाना शेख नाज़िम की सोच है, उनके साथ सब्र करना जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं उनके साथ सब्र करना, ये सबसे स्पेशल कैटेगरी है सब्र की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रैक्टिकली करके लिखा। आपके ऊपर कचरा फेंका गया, आपको बुरा भला कहा गया, आपके ऊपर पत्थर बरसाया गया, लेकिन आप पेशेंट हैं। अभी एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अगर कुछ कहता है, बुरा कहता है, तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हुजूर ने सब्र किया, जब उनको किसी ने तकलीफ़ दी तो उन्होंने सब्र किया, हमें भी सब्र करना चाहिए। नहीं, ये दो अलग चीज़ हैं। वहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई बात आती है, कोई हमको गाली दे देता है या हमारा कार्टून बना देगा, तो फिर हम जाकर लड़ने शुरू करेंगे, वहाँ पर सब्र नहीं करेंगे, वहाँ पर हमको सब्र करना, क्योंकि वो हमारे ऊपर आ रही होगा। कोई गाड़ी चला के कोई हमको कट मार के जा रहा है,
हमारे ऊपर आ रही बात, उस पे हमको सबक है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, या तरीकत की बात आती है, या शेख नाज़िम वाला शेख नाज़िम की बात आती है, तो वहाँ पर हमें सहाबा ने क्या किया वो देखना, क्योंकि ये उस्ताद के ऊपर जब आ रही, दीन के ऊपर जब आ रही, तो फॉलोअर्स ने क्या किया वो देखना। जब खुद पे आ रही है तब हमको देखना है कि हुजूर ने क्या किया, दैट्स द डिफरेंस। तो सहाबा ने क्या किया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें आई उन्होंने अपनी तलवार खींची। लेकिन आज की तारीख में तलवार नहीं खींच सकते, आज की तारीख में दूसरे तरीके हैं जिससे हम डिफेंस कर सकते हैं अपने दीन का, लेकिन उन चीज़ों पे हम लोग काम नहीं करते। अभी जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करते हैं या उनकी बेहुर्मती करते हैं, बेअदबी करते हैं, तो उन लोगों को वीक करने के लिए, उन लोगों को कमज़ोर करने के लिए उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको वीक करना चाहिए, तब जाके उनकी पावर कम होती जाएगी। लेकिन वो हम नहीं करते, प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे उतरते हैं, उसके उससे होता कुछ नहीं। कितने प्रोटेस्ट हुए, कुछ हुआ नहीं। इसीलिए मौलाना शेख नाज़िम मना करते, प्रोटेस्ट वगैरह में मत उतरो, तरीके से काम करो, उनकी चीज़ें यूज़ करना बंद करो। एक शुरू करे, दो शुरू करे, तीसरा करते 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 तो उनको कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है काम किया जाता है, और हमें उन चीज़ों की ज़रूरत, जिन चीज़ों की मिनिमम ज़रूरत है वो हम यूज़ करें। नीड और ग्रीड जो, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़रूरत और हिरस, इसमें फ़र्क है। तो समरी आज के सोहबा की कि मुसलमान जो है झूठ नहीं बोल सकते। कहानी को ट्विस्ट करना, वर्ड्स को ट्विस्ट करके बोलना, ये भी झूठ में आता है। फिर सबर कहाँ करना है, किस कैटेगरी में, तीन कैटेगरी सबर मौलाना शेख नाज़िम की सोहबा में से मैंने आपको बताया। और सबर की दुआ नहीं करना, तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और दीन पर सही मानों में सही तरीके से चलना नसीब फरमाए। हमारी जमात में खूब खैर बरकत फरमाए, फितनों से, परेशानियों से, आफत बला से बचाए रखें, और खूब 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 बरकत अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने वाले ज़ाकिरीन जो हैं सब जगह बढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ और बढ़ते चले जाएँ इंशाल्लाह। और इखलास से जो सारे खादिम जो हैं उनकी खिदमतों में इखलास हो और उनकी खिदमत कबूल हो। तौफीक हो मतलब हबीब हो मतलब साथ।